आ गया, देख लो इसको, चेक अक्षरों को हम देख लेते। इसमें थोड़ा लेट से आता है। आ गया, ये यहाँ भी है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार यस कर लीजिए सभी लोग। आप लोग को तो ऑडियो का दिक्कत नहीं है, कुणाल ऑडियो ने वीडियो कोई दिक्कत नहीं। हाँ रंजन जरा बताओ, तुम भी बाल बच्चेदार आदमी है। हाँ सुनता साहब है कि क्या बात करता है तू? चल चलो चलो चलो। हाँ ठीक है, ओ आज स्वीटी भी उधर से है, देखो तब ना सुकुमार साहब है कि चलो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको पता है, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, लॉरेंस फोर्स डिस्कस करने वाले हैं, लॉरेंस फोर्स। और यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स होता क्या है ये पहले तो साइंटिस्ट के नाम से है ना, लॉरेंस साहब के नाम से है। और लॉरेंस फोर्स होता क्या है, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर जो फोर्स लगेगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। स्वीटी बोल रही है क्लियर है, तुम्हारा आओ अगले दिन क्लियर करते हैं। चलो देखो, तब बोलते हैं कि बाल बच्चेदार आदमी सब है। चलो ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब हुआ साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा उसी को बोला जाता है लॉरेंस फोर्स। मतलब ये दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन है सिंपली, ठीक है। दोनों फोर्स जब यहाँ पर एक साथ काम करे, जब दोनों फोर्स एक साथ काम करे, देखो जैसे मान लो सपोज कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यही जो है मैग्नेटिक फील्ड है, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी है, तो दोनों के वजह से जो फोर्स लगता है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, सपोज कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है ये मान लीजिए कि Q है, और पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, देखो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है।
मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, अंदर हो। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर हो, तो अंदर अगर डायरेक्शन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्रॉस से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं क्रॉस से। ये इनवर्ड, अगर आउटवर्ड होता तो डॉट से करते, आउटवर्ड होता तो डॉट से करते, और यहाँ पर इनवर्ड है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर फिर किसी चार्ज पार्टिकल को हम मान लीजिए कि मूव करा दें किसी डायरेक्शन में, तो जो इस पर फोर्स लगेगा वही क्या कहलाएगा, लॉरेंट्स फोर्स कहलाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, ये सिंपली दोनों का इसमें क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं। जैसे फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा साहब, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, F इक्वल टू QE। ये बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है F इक्वल टू QE। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है F इक्वल टू MB, लेकिन ये पोल स्ट्रेंथ पर है, पोल स्ट्रेंथ पर, चार्ज पार्टिकल पर नहीं। उसी तरह से किसी भी मास पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स लगता है, जैसे ये आपके पास ऊपर वाले का ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ से किसी भी बॉडी को गिरा दिया जाए तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू MG। तो सिमिलर फार्मूला है कि नहीं, F इक्वल टू MG, F इक्वल टू MB, F इक्वल टू QE। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला लेना है, और क्या लेना, F इक्वल टू QE लेना है। तो F इक्वल टू QE, ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है, ये हम लोग पहले देखे हुए हैं। क्या देखे हुए हैं, QV क्रॉस B, ये होता है ना। अब किसी के मन में हो कि सर अभी यहाँ पर MB लिखे थे, तो ये पोल स्ट्रेंथ पर फोर्स है, मैग्नेट में ये हम लोग पढ़ेंगे, और ये किस पर फोर्स है, पोल स्ट्रेंथ पर फोर्स है। ये किस पर फोर्स है, पोल स्ट्रेंथ पर, ये चार्ज पे, पोल स्ट्रेंथ पे, और ये कोई भी मास पर है। तो इसलिए डोंट कन्फ्यूज, लेकिन चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसके लिए हम लोग ये देखे हुए हैं F इक्वल टू Q, और उसके बाद V क्रॉस B, ये हम लोग देखे हुए हैं। तो ये मान लीजिए फर्स्ट, और ये मान लीजिए सेकंड, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो यही आपका लॉरेंट्स फोर्स मिलेगा। दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, लॉरेंट्स फोर्स होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो लॉरेंट्स फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस B। तो ये आपका लॉरेंट्स फोर्स, आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। F इक्वल टू QE प्लस Q
वी क्रॉस बी, तो अगर क्यू को कॉमन निकाल दिया जाए तो आप ये भी दे सकते हैं ई प्लस वी क्रॉस बी। आई बात समझ में? ई प्लस वी क्रॉस बी, क्यू को यहाँ चूंकि दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, वैसे ज़्यादा अच्छा है। इसको याद रखिए, दोनों का अलग अलग ले करके और दोनों को क्या करना है, अल्टीमेटली ऐड कर देना है। क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, पहले यहाँ तक लिखिए, फिर बात करते हैं। यहाँ तक हो गया सबका? देखिए, बात तो इसमें इतनी ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको कई तरह से पूछता है और क्वेश्चन आपको फंसा देता है ना। बात इतनी ही है, लेकिन इसी क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा करके पूछते रहता है और बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है और आपको क्वेश्चन फंसा देता है। तो अब कैसे फंसाता है, हम उसकी बात करेंगे, क्या क्या टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। बात तो बस लॉरेंस फोर्स एक लाइन का है, लेकिन इस पर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आप फील्ड देख रहे हैं, ये हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। देखिए, ऊपर आप लोग लिख लिए हैं, तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसा कि ये फिगर आपका कह रहा है, इस फिगर पर हम एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से बनता है। जब इसमें क्या है कि ई और बी दोनों क्या है साहब, क्या है, पैरेलल है। ई और बी दोनों पैरेलल है। तो इसमें जैसे मान लीजिए यह एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप वन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या कहने का मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब, डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए, चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहां पर रखते हैं, क्या करते हैं, रखते हैं चार्ज पार्टिकल को, अगर यहां पर हम रखते हैं, रखने का मतलब इसको सिर्फ रख दिया गया है, चार्ज पार्टिकल इज कैप्ट इन द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, जैसा आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें जो मूवमेंट होगा चार्ज पार्टिकल का वो किधर होगा, ये आपको बताना है। मूवमेंट चार्ज पार्टिकल का किधर होगा ये आपको बताना है। हाँ, रेस्ट में है, केप्ट का मतलब स्विटी रेस्ट ही होता है, रेस्ट में आपने रखा है, उसके बाद अब वो किधर जाएगा ये बताना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि वो किधर जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखा गया है, किधर जाएगा, किधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा ना। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई लगेगा,
मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स? फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ध्यान से देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, बाय द चार्ज पार्टिकल किसमें? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा साहब, ये आपको पता है कितना? F इक्वल टू क्यू ई, इतना। अब अगर आपसे एक्सेलरेशन की बात पूछी जाए, की जाए, तो एक्सेलरेशन कितना? तो क्यू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन हो जाएगा इतना। ये आपका एक्सेलरेशन का हो गया। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ए इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम, ए कितने के बराबर हो जाएगा? क्यू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन की बात होगी ये। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण बात करें फोर्स का, तो यहाँ पर जो है देखो, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ये इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जरूर, लेकिन फिर भी इधर अगर मूव करता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा? एंगल बिटवीन ई एंड बी थीटा कितना बनेगा साहब? जीरो बनेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा क्या? मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये तो एक्सेलरेशन की बात हो गई। अगर आपसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन में कि वेलोसिटी किसी सर्टेन टाइम के बाद बताइए, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो क्या करोगे साहब? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू के स्थान पर क्या? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू के स्थान पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस ए टी, ए के स्थान पर क्या? यही ए, और टी के स्थान पर टी, और ए अभी यहाँ पर ये पुट कर देंगे, ए के स्थान पर क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, तो ये वेलोसिटी के लिए आपका आंसर मिल जाएगा। और ये बात स्पष्ट हो ही गई है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नो एनी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द किधर? मैग्नेटिक फील्ड, नो एनी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ तक देखिए, लिखिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में जीरो फोर्स लगेगा, सही कहना है स्वीटी का। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्लियर है? यहाँ तक देखिए, लिखिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, ये
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए ठीक है, आइए इसके बाद आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, हम दूसरा आपको सिचुएशन ये दे रहे हैं। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को किस में रखा गया था साहब? रेस्ट में रखा गया था। अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो, ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर जो है ये आपका ई भी है और बी भी है, जैसा देख रहे हैं आप वही है, लेकिन चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, इस तरह से चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। किस वेलोसिटी से? मान लो कोई भी वेलोसिटी, मान लो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया? इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टाइप टू, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपका यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन उससे और इसमें फर्क क्या आया बताओ? तो क्या फर्क दिए? थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क आया बताओ? इसमें क्या फर्क की दिए हैं? इसमें वेलोसिटी दे दिए हैं और उसमें क्या किए थे? रेस्ट में रखे थे, बस यही फर्क था, है ना? यही फर्क यहाँ पर है ना? इसके पहले वाले में रेस्ट में रखा गया था और यहाँ पर क्या किया हमने? वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, वेलोसिटी दे दिया। तो साहब क्या होगा कि जैसे इस तरह से यहाँ पर इसको हमने वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या होगा, यहाँ देखो, इस तरह से जब हमने वेलोसिटी दे दिया तो मतलब अब समझना आपको ऐसे है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अब चार्ज पार्टिकल को क्या किया हम? फेंक दिया ऐसे करके, किसी सर्टेन वेलोसिटी से ऐसे करके इसको फेंक दिया गया, ठीक है, ऐसे करके इसको फेंक दिया गया, है ना? तो वही सिचुएशन, अब ऐसे मानिए या ऐसे मानिए। और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात इसमें नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड की कोई बात नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो तो साहब कितना लगेगा? फिर वही लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई ही लगेगा। एक्सलरेशन की बात करेंगे तो फिर उतना ही होगा, नहीं होगा जी? एक्सलरेशन की बात करेंगे तो फिर उतना ही फोर्स लगेगा, फोर्स भी उतना ही लगेगा, लेकिन फर्क किस बात में आएगा? फर्क किस बात में आएगा? वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा, आई बात समझ में? क्योंकि वहाँ पर जो वेलोसिटी हम लोग लिए थे, अब अगर यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें, आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर टी टाइम या जो भी टाइम, टी टाइम के बाद वेलोसिटी, तो वहाँ पर भी इक्वल टू, ये फैक्टर यहाँ पर जीरो लिए थे, लेकिन ये फैक्टर अब यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ये फर्क होगा, और यहाँ पर इसके स्थान पर यू हो जाएगा, और उसके बाद प्लस ए, जो कि आपका क्यू ई अपॉन एम होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ऐसा होगा, ठीक है, फर्क इसी बात का होगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि अगर इसमें ग्राफ खींचने की बात हो, सपोज़ कि वी टी के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो कैसा होना चाहिए जी इंजीनियर साहब लोग, कैसा होना चाहिए ग्राफ, कैसा होना चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ कैसा होना चाहिए? y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो इसका ग्राफ यहाँ से होना चाहिए कि पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, यहाँ से नहीं करना चाहिए, ऊपर से करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो यह ऐसे होना चाहिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बढ़िया बन गया कि अगर कुछ नहीं दिया आपको, यह सिचुएशन दे दिया और वी और टी के बीच ग्राफ बता दीजिए, छोड़िए बाकी सिचुएशन, ग्राफ दे दिया, बताइए क्या होगा, फंसा लेगा फिर, है ना? और उसमें एक तो ऐसा जरूर देगा, फिर ऐसा जरूर देगा ये वाला ग्राफ। अब देखो कितना बारीक फर्क है दोनों में। इसके पहले का जो बताए, इसके जस्ट टाइप वन वाला जो बताए, उसमें ये टाइप वन का ये ग्राफ होगा नहीं जी? टाइप वन वाला जो अभी दिए सिचुएशन, उसका ग्राफ ऐसा होगा, इसलिए उसमें यू क्या था, जीरो था, तो वी इक्वल टू सिर्फ 80 हुआ, तो वाई इक्वल टू एम एक्स हुआ। बात समझ रहे हो ना? वाई इक्वल टू एम एक्स हुआ, और इसमें क्या सिचुएशन आया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया। इसमें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, इसमें y इक्वल टू एम एक्स हो गया। तो पहले जो इसके बताए थे टाइप वन में ऐसा ग्राफ होगा, तो टाइप वन में के जगह पर आप ये ग्राफ डाल सकते हैं, और ये टाइप टू का आपका ऐसा ग्राफ हो गया। तो सोच लो कितना बारीक से फंसा देता है क्वेश्चन, मन में होगा अच्छा अभी इसमें या इसमें, कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाएगा, नहीं होगा तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है, लेकिन फंसिया जाता है नहीं, लेकिन फंसना नहीं है, सावधान रहना, होशियार नहीं फंसता, होशियार निकल भी जाता। तो चलो ये क्लियर। और अगर देखा जाए ऐसे खाली क्वेश्चन को दोनों को पढ़ दें तो लगेगा एकदम एक जैसा है नहीं। इफ चार्ज पार्टिकल इज कैप्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पहला केस था, पहला टाइप क्वेश्चन था, और दूसरे में क्या दिया हमने, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब आइए नेक्स्ट टाइप थ्री टाइप क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, टाइप थर्ड। देखिए साहब, टाइप थ्री, और अब सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधानी हटी, हाँ दुर्घटना घटी। अब इसमें फर्क हम ये डालेंगे कि ये तो पहले जैसे था वही रहेगा, इसमें हम कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहे। ई और बी पैरेलल, ई भी इधर, बी भी इधर ही, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब फर्क हम यहाँ डाल रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू है, और यहाँ पर जो ऐसे फेंका गया, ऐसे कैसे कैसे फेंका गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका गया, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के भी ये परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? ठीक बात है, अच्छा तो सही है। अब ये बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा, समझिए ध्यान से, फोर्स ऑन द, ये सभी एक बढ़िया क्वेश्चन है, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द किधर, किसके कारण, या ड्यू टू जो कहिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, तो यहाँ फिर फोर्स तो वही लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई, लेकिन ये किधर लगेगा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है ना साहब, तो इधर लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई एम ए, और यहाँ पर क्यू ई अपॉन, ये ए की बात करें तो क्यू ई अपॉन एम हो गया, ये एक्सेलरेशन तो यहाँ भी इधर होगा और फोर्स तो वही लग रहा है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है, अब यहाँ पर सवाल यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखिए, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। बिल्कुल सही बात, ये हम लोग देखे हुए हैं, ये हम लोग पहले देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो ये तो सर्कुलर होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो भी सर्कुलर होता या नहीं होता? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होता सर्कुलर तो भी होता, लेकिन फर्क क्या होता? फर्क क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज नहीं है, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो भी जो है सर्कुलर होता। लेकिन ये जो सर्कुलर होता, एक ही जगह पर सर्कुलर होता, ऐसे 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 सर्कुलर होता, देखो ये देखो, एक ही जगह पर सर्कुलर होता। लेकिन अब ये भी तो थोड़ा जोर लगा रहा है इधर, तो क्या होगा कि सर्कुलर जरूर होगा लेकिन अब ये आगे बढ़ते जाएगा, तो कहने का मतलब अब इसी में पाथ हेलिकल हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसी सिचुएशन में पाथ क्या हो जाएगा? हेलिकल हो जाएगा। पाथ क्या हो जाएगा? हेलिकल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। दूसरी बात है कि यहाँ पर देखो, ये जैसे एक्सेलरेशन है, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम वेलोसिटी की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जरा से देखिए, तो इसके कारण जो वेलोसिटी फिर होगा v इक्वल टू यू, तो यू तो यहाँ पर जीरो हो गया, इस डायरेक्शन में यू है क्या? नहीं है, तो क्यू ई अपॉन एम इन टू टी, यही ना, तो इसको हटा दें, तो ये आपका v के लिए हो गया। तो कहने का मतलब अब ये बताओ कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा? टाइम के साथ इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टाइम के साथ इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है साहब, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, ध्यान से समझो, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ना, आई बात समझ में? ध्यान से समझो, नहीं तो नहीं समझने की पूरी गारंटी है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन दीजिए। एक बार फिर से सुन लो, हमने कहा कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाओ, साइड करो इलेक्ट्रिक फील्ड, जाने दो, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, खाली मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, इस पर तो हम लोग विशेष स्टडी किए हुए हैं, है ना, यह होगा, चलो ठीक बात है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या कर रहा है? इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये जो सर्कुलर बनेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इधर आते जाएगा, देखो इधर आते जाएगा, तो पाथ कैसा हो जाएगा? हेलिकल होगा, और हेलिकल तो होगा ही, और भी कुछ खास बात होगा, क्या खास बात होगा आप जरा ये देखो। अच्छा अब ये बताओ, जैसे ये हेलिकल तो हुआ, ठीक बात है, ऐसे ऐसे हेलिकल हुआ, ऐसे ऐसे हेलिकल हुआ, अब ये बताओ क्या इसका पिच कांस्टेंट रहेगा? पिच कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा? पिच कांस्टेंट रहेगा, पिच समझ रहे हो क्या? क्या कुणाल, क्रिकेट का पिच मत समझ लेना, नहीं ना समझेगा, अच्छा ठीक बात है। तो पिच क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करता जाएगा? जरा देखो तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको इधर लग रहा है, और ये वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो पिच कांस्टेंट होता, अगर ये चीज कांस्टेंट होता तो पिच कांस्टेंट होता, अगर ये चीज कांस्टेंट होता तो पिच कांस्टेंट होता, लेकिन ये तो कांस्टेंट है नहीं, इसलिए कि टी लगा हुआ है इसमें, बाकी फैक्टर तो ठीक है कांस्टेंट, लेकिन ये टी लगा हुआ है ना इसके साथ, तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर देखिए साहब, इसका सर्कुलर पाथ तो जरूर होगा,
लेकिन ऐसे देखो पीच बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर ये पीच आपका मान लो कि P1 है, या X1 मानो, जो मान लो आपकी इच्छा, X1 है, ये मान लो X2 है, ये मान लो X3 है, तो साहब X1 से ज़्यादा X2 होगा, X2 से ज़्यादा X3 होगा, नहीं जी, X1 से ज़्यादा X2 होगा, X2 से ज़्यादा X3 से ज़्यादा X4 होगा। मान लो खाली आप देखो क्वेश्चन कैसे फंसाता है, कुछ नहीं दिया आपको, सिचुएशन दे दिया, अब यही ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन साहब X1 बराबर X2 बराबर X3, तीसरा ऑप्शन साहब X1 ग्रेटर देन X2 ग्रेटर देन X3, और मान लो कुछ दे दिया X1 ग्रेटर एगो लेस मार दिया, आप देख लो इसी में फंसा देगा कि नहीं फंसा देगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होना चाहिए आपके पास, ये पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पूरा निचोड़ खींच लेगा आपसे, नहीं होता है तो सुई दे के निकाल लिया पकड़ के, लो ना क्वेश्चन ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव ही चाहिए, लो दे रहे हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपसे खींच लिया, है ना, तो आपके पास जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा सोचेगा अच्छा परपेंडिकुलर है, हेलिकल पाथ होता है और क्या, पीस तो पढ़ाए थे सर कॉन्स्टेंट ही होता है ना, फंसते तो गुरु जी अंत में, है ना, सर तो पीच का फार्मूला लिखाए हैं और उसमें तो कांस्टेंट बताए हैं, तो लेकिन या तो फिर क्वेश्चन आपका हो गया ना, ये तो फंसा दिया फिर आपको, तो इसमें पीच आपका क्या होगा साहब, बढ़ता चला जाएगा, पीच क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, हाँ पीच आपका क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, पीच इंक्रीजेस विथ टाइम, समय के साथ पीच क्या होगा, इंक्रीज कर करता जाएगा, और बाकी चूंकि सर्कुलर पाथ है तो अगर रेडियस पूछे तो फिर रेडियस का फॉर्मूला वही लग जाएगा, ठीक है, अगर रेडियस वाली बात हो जाए, फॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, बताइए आप लोग कितना होगा, यहाँ तक लिखिए, अब रेडियस बताइए, तब देखो इसमें कितना क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, इतना क्वेश्चन का खींचेगा कि बस मिजाज हरा कर देगा, बिना पढ़े कोई उपाय है क्या, हाँ सूटी का जवाब आया है इंक्रीज करेगा, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन घर में बैठ के इंक्रीज करेगा, ठीक बात है, कल तो बोल ही दिए हैं आप, कल रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, नो लाइव 9:30 ये हो गया, हाँ समझ गया सिद्धांत, चलो ठीक है, अच्छा आप देखो, हाँ बोलो रेडियस बताओ, रेडियस बताओ, एम बी अपॉन क्यू बी, बिल्कुल सही बात है, ये तो फॉर्मूला आपका चिर परिचित है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एम बी अपॉन क्यू बी, कैसा आएगा ये बताना है क्या, कैसे ही आया, तो उसमें क्या दिक्कत, दिक्कत भी लो ना, क्यू बी बी साइन 90 बराबर क्या एम बी स्क्वायर अपॉन आर, चूंकि सर्कुलर पाथ होगा, बस हो गया, और क्या, साइन 90 का मैदान साफ हो गया, ये खत्म हो गया, तो रेडियस इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, यही ना आया, अरे नीचे कट रहा है क्या, ऊपर लिख देता हूँ, तुम रहा कैसे कटेगा, दिख रहा है, अच्छा तब तो ठीक, वो तुम दोनों सुविधा रखा है, आर इक्वल टू एम बी अपॉन, हाँ ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं, वो तो सही ऑप्शन ऊपर दिए, सही ऑप्शन तो यही वाला ना है, बाकी तो सब नीचे गलत ऑप्शन दिए है ना, तो इसलिए ऑप्शन कटा तो अपने से बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही ऑप्शन तो यही दिए, तो बाकी तो जो मन में आया हम दे दिए, ठीक है, अच्छा ठीक समझ गए, रेडियस
ऑफ द सर्कुलर पाथ ये होगा। अब देखो अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब टाइप फोर में क्या कर रहे हैं कि अब इसको जैसे वेलोसिटी यहाँ परपेंडिकुलरली दिए थे ना, अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं दे रहे हैं, अब इसको ऐसे भगाएंगे, हाँ डायगोनली इसको भगाएंगे। देखो देखो यहाँ तो ऐसे तो लॉरेंट फोर्स पढ़े हो जी, तो पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, तो एफ इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी क्रॉस बी यही होता ही है, तो वो हुआ पढ़ना और ये हुआ इस पर एनालिसिस करना। बात तो उतनी ही सी है लेकिन ये उससे कितना कितने तरह का प्रॉब्लम बन सकता है। ऐसे तो एक लाइन का लॉरेंट फोर्स है, व्हाट इज लॉरेंट फोर्स, तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज लॉरेंट फोर्स विच इज गिवन बाय एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी, जो अब हेडिंग में फोटो दिए थे बस वही तो उसी में लिखा है, हो गया वही लॉरेंट फोर्स है ना। लेकिन इस पर क्वेश्चन जो बनता है ये अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें पिछला जो है जितना हम लोग पढ़े हैं सब कंसेप्ट खींच लेगा। तो फिर यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा फिर चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, नहीं तो नहीं समझने की, हाँ ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा है ना, झूठे फूटे नहीं बोलेंगे समझने की गारंटी है। ध्यान से देखेगा तब ना, मान लो देखेगा इधर ध्यान रहेगा कहीं आज तो लगता है एक जगह पार्टी हो जाना है ना, आज बोला था कि जब बर्थडे का ट्रीट भी देंगे कुणाल, अब देखते हैं देता है कि नहीं देता, ये सब बात ध्यान में रहेगा समझ में आएगा जी, तो फुल कंसेंट्रेशन होना चाहिए तभी ना समझ में आएगा। चलो देखो कुछ नहीं, अभी कोरोना काल में नो पार्टी, मिजाज ठंडा हो जाएगा नहीं तो। देखो यहां पर जो है ये आपका वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल से और बाकी ई इधर बी भी इधर ही इस तरह से। और अब यहां देखो अगर ये मान लो कि कोई भी वेलोसिटी है, बी मान लेते नहीं मान लिया, तो इधर कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा होगा, इधर कितना होगा, वी साइन थीटा होगा। अब यहाँ देखो फर्क क्या होगा, अब फिर देखो जैसे यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का इधर है ना, और इसका कंपोनेंट इधर, इधर वी कॉस थीटा हो गया और इधर क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा ठीक है चार्ज पार्टिकल पर, फिर वो कितना होगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो फोर्स क्यू ही होता है, बोलो तो साहब, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो बस भाई एम ए क्यू ई, और एक्सेलरेशन की बात करें तो क्यू ई अपॉन एम। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है इसके फॉर्मूले में कहीं कॉस थीटा साइन थीटा वाली बात है क्या, ये तो बेचारा गरीब आदमी, कहीं कोई कॉस थीटा साइन थीटा जो है नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इसमें कहीं साइन थीटा कॉस थीटा वाली बात नहीं है, तो ये तो इतना एक्सेलरेशन होगा ये फोर्स लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह से जब चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ वेलोसिटी का अब दो कंपोनेंट है साहब, वेलोसिटी का अब यहाँ पर जो है दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा कंपोनेंट है, वी कॉस इधर और वी साइन इधर। तो ये बताओ वी कॉस थीटा इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स लगेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड में इस पर इस वेलोसिटी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं है,
तो किसके वजह से लगेगा? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। बात समझ रहे हो? क्लियर? तो यहाँ पर जो है फोर्स किसके वजह से लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। ये वी साइन थीटा के वजह से लगेगा, इसके वजह से तो नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कहेगा तुम अपना आराम से जो वेलोसिटी जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है? अब लेकिन यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये वेलोसिटी, शुरू का वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है। ठीक है? शुरू का वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, एक्स डायरेक्शन में, चूंकि अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है आपके पास वी कॉस थीटा है, तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से बात करें तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ पर अगर वी वन कर लेते हैं इसको, या वी एक्स कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यू टी, है ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यू ई अपॉन एम और इंटू टी। वी एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं हो जाएगा? देखो यहाँ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इस डायरेक्शन की बात हुई। बात समझ में आ रहा है? अगर वाई डायरेक्शन की यहाँ पर बात करें साहब, तो वाई डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी है कि नहीं है? है, कितना है वाई डायरेक्शन में बोलो तो साहब? वी साइन थीटा। तो ये वेलोसिटी इधर है और यहाँ पर ये वेलोसिटी किधर है? इधर है। तो जो इधर है इसी की वजह से इधर फोर्स लगेगा, और यहाँ पर y की बात करेंगे तो फिर तो यहाँ पर v साइन क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर vx की बात ये हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर vx का ये मेन हमको काम है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, चूंकि अब मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर इधर v cos थीटा है और इधर v साइन थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड में v cos थीटा v साइन थीटा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स किसके वजह से लगेगा? वी साइन थीटा के वजह से लगेगा। लगेगा कि नहीं? किसके वजह से लगेगा? वी साइन थीटा के वजह से लगेगा। तो अब इसके वजह से जो फोर्स लगेगा और इसके वजह से पाथ होगा कैसा? पाथ होगा कैसा? अब यहाँ पर देखो, चूंकि चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका गया था, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका गया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना करके, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ सर्टेन इंक्लिनेशन ऐसे, तो इसके कारण पाथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर फेंका जाता है तो सर्कुलर होता है, यहां तो इंक्लिनेशन है तो ऑलरेडी पाथ इसके कारण हेलिकल हो जाएगा। हेलिकल तो पाथ होगा ही इसके कारण, क्योंकि इसके कारण सर्कुलर होगा और ये इसको आगे बढ़ाएगा तो हेलिकल होगा। मतलब इसमें हम ये कहें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, हम सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, दो मिनट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिए, हटाओ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देर के लिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्ज पार्टिकल को फेंका गया किसी इंक्लिनेशन के साथ, पाथ कैसा होता है? हेलिकल होता है। ये तो हम लोग पहले पढ़े हुए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ जरूरत है? तो यहाँ पर हेलिकल पाथ ऐसे ही हो जाएगा विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ विल बी हेलिकल, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द हेलिकल पाथ इन दिस सिचुएशन, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसके पहले वाले केस में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हेलिकल पाथ हुआ था, लेकिन यहाँ नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द हेलिकल पाथ इन दिस सिचुएशन, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो जाएगा हेलिकल पाथ। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तब जो ये पाथ होगा तो ये हेलिकल होगा, लेकिन यहाँ पर इसका फिर पीच क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तब कांस्टेंट पीच, जो कि हेलिकल पाथ में हम लोग पहले लिखाए हुए हैं, पीच का वैल्यू बताए थे, वो कांस्टेंट होता है इन द हेलिकल पाथ।
इन द हेलिकल पाथ कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? बोलो कोई तकलीफ इसमें? क्लियर? ठीक बात है। लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो हम यहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि लॉरेंट्ज़ फोर्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो वो भी पाथ तो हेलिकल पहले से है, पाथ तो हेलिकल इसका पहले से बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इसको और इधर के तरफ इसको ठेलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एक्सिलरेटेड है, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, हेलिकल पाथ जरूर बनेगा, लेकिन यहाँ पर भी पीच क्या होगा बताओ तो, पीच इंक्रीज करेगा और पीच जो है काफ़ी तेजी के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसमें भी पीच इंक्रीज करेगा, यहाँ देखो पीच ये भी इंक्रीज, ऐसे एकदम पीच ऐसे इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज किया, यहाँ पर इतना है, यहाँ इतना, फिर देखो यहाँ इतना, फिर ऐसे, अगर यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, फिर यह और ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा पीच, इसमें भी इंक्रीज करेगा और यहाँ पर भी क्या होगा, पीच इंक्रीजेस, पीच इंक्रीज करेगा। ठीक है, और x1 ऊपर लिख दे इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए तो x1 से यहाँ भी ज़्यादा x2 होगा और इससे भी ज़्यादा x3 होगा और भी होगा, तो ये ज़्यादा इस तरह से बढ़ता जाएगा, है ना, बात समझे कि नहीं? यहाँ पर भी पीच इंक्रीज करेगा लेकिन और तेज़ी के साथ इंक्रीज करेगा, इसलिए कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो ये और तेज़ी से फोर्स लगाएगा तो पीच क्या होगा इसका इंक्रीज करता जाएगा। आई बात समझ में? पीच क्या होगा इसका इंक्रीज करता जाएगा, है ना, और फिर पाथ तो हेलिकल होगा ही इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन पाथ विल बी हेलिकल, विल विथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल तो होगा ही और पिच ये आपका इंक्रीज करता जाएगा और हेलिकल पाथ होगा और इसमें रेडियस ऑफ द पाथ क्या होगा जरा ये बता दीजिए, तो फिर हेलिकल पाथ वाली बात आ गई और रेडियस ऑफ द पाथ क्या होगा, रेडियस ऑफ द पाथ क्या होगा ये बताना है। हाँ बताओ, देखो यहाँ तक लिखो और रेडियस ऑफ द पाथ की बात करें हम लोग क्या होगा, देखिए। हाँ ठीक, थैंक यू सौरभ, बोलो रेडियस ऑफ द पाथ कैसा होगा ये बताओ, रेडियस ऑफ द पाथ कैसा होगा, यहां पर देखो सर्कुलर पाथ में क्या हुआ था रेडियस बताओ, सर्कुलर पाथ में कितना आया था, एम वी अपॉन क्यू विथ, फर्क क्या होता है इसमें, यहाँ पर ये साइन थीटा हो जाता है, फर्क ही होता ना, तो बस रेडियस ऑफ द रेडियस के लिए जो आपके पास फॉर्मूला उसमें साइन थीटा को इंक्लूड करना है। ठीक है, हाँ बस ठीक है, जवाब भी आ गया, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी, बिल्कुल सही है, तो रेडियस ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा साहब, एम वी अपॉन क्यू बी, इसको ऐसे याद रखना, हेलिकल पाथ में इसको हम डिटेल से डिस्कस भी किए हुए हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम एनालिसिस है, तो एम वी अपॉन क्यू बी तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है, ये होता है ना, और फर्क यही होता है कि यहाँ पर ये भी नहीं लिया जाता बल्कि भी साइन थीटा लिया जाता, इसलिए कि हेलिकल पाथ इसके वजह से नहीं होता, भी साइन थीटा के वजह से होता, तो यहाँ पर भी याद नहीं रखना है,
भी साइन थीटा याद रखना है, आई बात समझ में? और ये यहीं याद नहीं रखना है, हमेशा याद रखना है। कहोगे सर्कुलर पाथ में, वहाँ भी ले लो साइन 90, वहाँ तो परपेंडिकुलर था ही, वहाँ तो सर्कुलर पाथ में परपेंडिकुलरली था ही, तो वहाँ भी साइन 90 ले लो, और यहाँ पर साइन थीटा ले लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का केस एम भी साइन थीटा है, इसलिए याद इसी को रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, एम भी साइन थीटा, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है। और सर्कुलर पाथ होगा तो उसमें साइन 90 वाला केस आ गया, ठीक है। तो एम भी साइन थीटा, और ये तो बताइए कि इसमें पीच क्या होगा, धीरे इंक्रीज करता जाएगा और काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा, पीच इंक्रीज करेगा, तेज़ी से इंक्रीज करेगा, और पीच इंक्रीज करने की वजह क्या होगी, क्या वजह होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या वजह होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पीच इंक्रीज करने की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, आई बात समझ में? तो पीच इंक्रीज किसके वजह से करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से करता है। और ऐसे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो पीच यहाँ भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर पीच यहाँ भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाता, ये धीरे 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 बढ़ते जाता। तो कैसे बढ़ता जाता? तो वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला आपको दिए ही हैं, वी कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम इनटू टी, टाइम के साथ ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो पिच बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा तो पिच क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो पिच कांस्टेंट है। तो जो जनरल जो हम लोग हेलिकल पाथ पहले पढ़े थे उसमें पिच कांस्टेंट होता है, लेकिन ये तो आपका प्रॉब्लम है, तो इसमें पिच कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। ये तो प्रॉब्लम दिया गया, प्रॉब्लम में 1 रुपया में 4 दर्जन केला मिलता है ना, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर मिलेगा क्या, है ना? लेकिन प्रॉब्लम में तो 1 रुपया में 10 दर्जन भी मिल जाएगा, तो वही ये प्रॉब्लम है, पिच यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें पिच कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, लॉरेंट्स फोर्स है, और इसके वजह से। क्लियर हो गया? यहाँ तक देखिए लिखिए, और कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है स्वीटी का जवाब, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होता है, ठीक है। क्या एंटी पैरेलल होगा तो उसमें फिर माइनस का केस आएगा, तब ये प्रॉब्लम का सिचुएशन है, कुछ भी बन सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? क्लियर? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, सेस नेक्स्ट डे आज इतना ही। इसी तरह से आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हाँ यहाँ के भी रूम में रहिए। चलो ठीक, थैंक यू, बाय। हाँ गाना, गाना अच्छा सुना देंगे, गाना क्या हुआ?